पीएम विश्वकर्मा योजना, कारीगर और शिल्पकारों को मिलेगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत ऋण। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत एक निजी क्लब में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कारीगर और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य हाथ से औजारों का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को पहचानना और सशक्त बनाना है। इस योजना को 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथों और औजारों से काम करते हैं और दिशा निर्देश में निर्दिष्ट परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं, ऐसे लाभार्थी को स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में चलाई जा रही क्रेडिट आधारित योजना जैसे पीएम ईजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। हालांकि मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया है पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि बढ़ई नाव बनाने वाले अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, चर्मकार, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई झाड़ू निर्माता, कायर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माली, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल निर्माता, इन सभी को इस योजना के तहत ऋण दिया जाएगा, जिसके तहत पहली किस्त 1,00,000 रुपए तक 18 महीने में चुकानी होगी और दूसरी किस्त 2,00,000 रुपए तक 30 महीने में चुकानी होगी और 5% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। इस योजना के पात्र लाभार्थी को कौशल सत्यापन और उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 15 दिन या उससे अधिक उन्नत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण भत्ता 500 रुपए प्रतिदिन भी दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन उन्नत उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपए की ई वाउचर के माध्यम से भी दिए जाएंगे। पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्र और अटल सेवा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, जिसके आधार पर मोबाइल नंबर और बैंक विवरण, राशन कार्ड लेकर लाभार्थी को जाना होगा। पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं है। इस दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, हितेश जोशी, GMDIC डूंगरपुर संजय मीणा, असिस्टेंट डायरेक्टर MSME, कार्यक्रम संयोजक प्रवीण सुथार, जयंत पाटीदार, JP मीणा, मनोज सुथार सहित सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के कारीगर एवं शिल्पकार मौजूद थे। आज का जो ये कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसको 2023 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च किया गया था, और उस योजना से जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी है उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए और उनका जो है योजना के माध्यम से किस प्रकार से लाभ दिला करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जाए, ताकि वो जो देश के विकास में सहयोग कर सके और अपने परंपरागत उद्योग उनका संरक्षण भी हो सके और उनका संवर्धन भी हो सके, इसको लेकर के MSME द्वारा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और इस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे जो लोकबाग पूरे उपखंड के जितने भी हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो सभी उपखंड के जो है लोकबाग शामिल हुए हैं और लोगों को जो है पूरी स्कीम के बारे में अवगत कराया गया है। डिपार्टमेंट जो है जिला उद्योग केंद्र है, उनके GM भी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने भी जो है अपने स्कीम के बारे में पूरा जानकारी दी है। बैंक लीड बैंक के माध्यम से भी जो है मीणा साहब ने उसके बारे में पूरी जानकारी इसके दी है और MSME के जो प्रतिनिधि है उन्होंने इस स्कीम को किस प्रकार से लागू किया जा रहा है और लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है उसके बारे में पूरा जो है इस कार्यक्रम में जागरूकता प्रदान की। मैं प्रवीण सुतार, चेयरमैन ब्रांचेस 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज, पिछले 75 वर्षों से राजस्थान के अंदर व्यापारियों और सरकार के बीच में सेतु का कार्य करती आई है, जिनका मेन उद्देश्य ये है कि उद्योग और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाए जाएँ राजस्थान के अंदर और मेक इन राजस्थान को प्रमोट करें, राजस्थान के उद्योग को हम लोग कैसे देश विदेश तक फैलाएं, इसी के बीच हम सरकार की योजनाएं और व्यापारों की समस्याओं एक दूसरों को कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते आए हैं। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।